नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। सेना मेडलिस्ट मेजर अजय सिंह को भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने किया सम्मानित, कहा सैनिक का सम्मान मोदी सरकार की है प्राथमिकता। तीसरी राजधानी बनाया जाए मंडी को, मांग उठाई किसान बचाओ अभियान ने, राजधानी बनाने के लिए सत्याग्रह का किया आगाज। मोदी रैली में नाचन के 6000 भाजपाई लेंगे हिस्सा, रैली को सफल बनाने के लिए बैठक में की गई चर्चा। और सुंदरनगर के भवाड़ा के पास करीब 30 फीट गहरी खाई में गिरी बस, हादसे में 36 में से 27 यात्री हुए घायल, दो की हालत नाजुक। सैनिकों का सम्मान व कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता है, ये बात भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर के तनियार गांव से संबंध रखने वाले सेना मेडलिस्ट मेजर अजय सिंह को सम्मानित करते हुए कही। नरेंद्र अत्री ने कहा कि मेजर अजय सिंह पठानिया ने उत्तर पूर्व में अपनी सेवाओं के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया था। अजय सिंह पठानिया, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अपनी सेवाएं देते हुए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई आतंकवादियों को मार गिराया, फलस्वरूप भारतीय सेना की ओर से देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उन्हें सेना मेडल से नवाजा, उसी उपलक्ष्य पर इनको सम्मानित किया गया। उद्देश्य यही है, समाज में एक संदेश जाए कि भारत अपने सैनिकों का ऋणी है, अपने सैनिकों के साथ खड़ा है, और जिस तरह सेना के हमारे सैनिक अपना जीवन दांव पर लगाकर अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र की एकता के लिए, अपने राष्ट्र की अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, इनका हमेशा राष्ट्र ऋणी रहेगा और ये परंपरा इस देश में चलती रहेगी। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान ने मंडी को तीसरी राजधानी बनाने को लेकर सत्याग्रह शुरू कर दिया है। अभियान के संयोजक दिशा शर्मा का कहना है कि मध्य जून मंडी में राजधानी को लेकर मंडी के किसी भी विधायक और मंत्री ने मुंह नहीं खोला है, जबकि आजादी के बाद हिमाचल के पुनर्गठन के दौरान से आज तक मंडी जिला में राजधानी का मुद्दा उठता रहा है। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान ने प्रदेश की केंद्र बिंदु मंडी जिला में तीसरी राजधानी बनाने को लेकर सत्याग्रह शुरू कर दिया है। अभियान के संयोजक देशा शर्मा का कहना है कि हिमाचल के पुनर्गठन के दौरान से आज तक मंडी जिला में राजधानी का मुद्दा उठता रहा है। देशा शर्मा का कहना है कि मध्य जून मंडी में भी विधानसभा का सत्र चलाया जाए, इससे सरकार व लोगों का करोड़ों रुपए बचेगा। पहली राजधानी शिमला, दूसरी धर्मशाला और तीसरी राजधानी मंडी हो। जिस तरह से 1966 और 71 के दौरान हिमाचल बना, तब से लेकर आज तक पिछले 50 वर्षों के दौरान राजनीतिक द्वेष और भेदभाव का शिकार मंडी जिला रहा है। हम आज इस मंच से मांग कर रहे हैं कि मंडी जिला में राजधानी बनाई जाए, वो चाहे ये जो राजधानी है, ये मंडी बल सुंदरनगर चैल चौक और जाहू की जो प्लेट है, इस प्लेट के बीच में बनाई जानी चाहिए। यहाँ एयरपोर्ट आसानी से बन सकता है, यहाँ मेट्रो आसानी से बन सकती है, यहाँ राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय जो गतिविधि केंद्र हैं वो आसानी से बन सकते हैं, और जो मध्य जोन मंडी है और जो उत्तरी जोन कांगड़ा है, इनका मिलाकर के 71% एरिया बनता है पूरे प्रदेश का, और मध्य जोन और उत्तरी जोन की जो आबादी है वो भी 71% प्रदेश की आबादी बनती है। देशा शर्मा ने कहा कि मंडी को ऐतिहासिक रियासत होने के बावजूद कभी राज्य का केंद्र ही नहीं माना गया, हमेशा हर मामले में सौतेला व्यवहार किया गया है, जिसका नुकसान पूरे मध्य और उत्तरी जोन के लोगों को उठाना पड़ा। तो ऐसे में प्रदेश की 71% एरिया की 71% आबादी के साथ और मंडी जिला के साथ साथ, इससे बड़ा न्याय और क्या हो सकता है कि देश की सबसे प्राचीन पहाड़ी रियासत होने के नाते भी मंडी जिला को हिमाचल प्रदेश का केंद्र नहीं समझा गया, और शिमला में हमारे जो नेता है वो दुबक करके बैठ जाते हैं, जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, सरकार को पता ही नहीं चल पाता कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। अगर मंडी में राजधानी आती है तो लोगों का और सरकार का करोड़ों रुपये बचेगा, जिससे कि हिमाचल प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है, और यहाँ
मूलभूत ढांचा निर्माण का खर्चा भी बहुत कम है, जगह प्लेन है, रेत बजरी पत्थर और तमाम तरह का जो बिजली सीमेंट है वो यहाँ प्रचुर मात्रा में है। तो ये आज यहाँ मंडी में राजधानी बनाने को लेकर जो सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक कि यहाँ राजधानी, हम कह रहे हैं कि शिमला पहली राजधानी हो, धर्मशाला दूसरी और मंडी को कम से कम तीसरी राजधानी जरूर बनाया जाए। संयोजक का कहना है कि मंडी को तीसरी राजधानी बनाने के लिए यह सत्याग्रह जारी रहेगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। नाचन भाजपा मंडल की बैठक विश्राम गृह वन विभाग शैल चौक में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली को सफल बनाने के बारे में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नाचन मंडल के महामंत्री हुकम ठाकुर ने बताया कि नाचन के हर पोलिंग बूथ से 200-200 कार्यकर्ता रैली में भाग लेने जा रहे हैं, जिसके लिए नाचन भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरी तरह तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने कहा कि इस विशाल रैली में लगभग 6000 भाजपा कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। वहीं रैली को लेकर नाचन के विधायक विनोद कुमार भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। नाचन के विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 18 तारीख को छोटी काशी मंडी में आ रहे हैं, जिसके लिए नाचन के सभी लोग उनके दर्शन करने व उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को नाचन के विभिन्न शक्ति केंद्रों से महिलाओं का खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नाचन के बुजुर्ग लोग भी देश के प्रधानमंत्री के भाषण सुनने को बेताब हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 तारीख को इस देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारी छोटी काशी मंडी में आने वाले हैं, तो उनकी तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए नाचन मंडल भाजपा ने भी तय किया है कि 6000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में नाचन मंडल से जाने वाले। इस अवसर पर पूर्व मंडलाध्यक्ष मनोज शर्मा, जिला उपाध्यक्ष गिरधारी लाल, टेकचंद ठाकुर, कुमार चंद प्रधान, चैल चौक प्यारे लाल, दिनेश पहाड़िया, कमल किशोर, लालमन, नेत्र सिंह, रतन लाल उपप्रधान चैल चौक, युवा मोर्चा अध्यक्ष बिशम ठाकुर, रमेश चंद सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। के चैनल के लिए कोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ द्वारा मंडी में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ प्रदेश का नंबर एक संगठन बनकर उभरेगा। यहां आयोजित बैठक की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के जिला प्रधान इंजीनियर हेमराज ठाकुर ने की, जबकि संघ के प्रदेश संगठन मंत्री इस बैठक में विशेष तौर पर मौजूद रहे। संघ के पदाधिकारियों ने सुंदरनगर में होने वाली भारतीय मजदूर संघ की 3 दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बारे में विस्तार से चर्चा की। भारतीय मजदूर संघ की कार्यसमिति की बैठक आने वाली 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस बैठक में संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर गहन चिंतन किया गया। बैठक में प्रदेश के संगठन मंत्री निरंजन ने संगठन में सदस्यता को बढ़ाने और जिला में 18 यूनियनों के विस्तार को लेकर भी पदाधिकारियों को अहम टिप्स दिए। जिला प्रधान ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हितों की लड़ाई को आगे भी जारी रखेगा और इसी कड़ी में आने वाले मार्च 2017 को प्रदेश स्तर पर आंदोलन कर विधानसभा का घेराव भी करेगा। इसके लिए भी आयोजित इस विशेष बैठक में कई अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस मीटिंग में हमने सुंदरनगर में 2-3-4 दिसंबर को जो हमारी प्रदेश कार्यसमिति की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के बारे में चर्चा की और संगठन में किस तरह से कार्य किए जाए, किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए, विभिन्न पहलुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और विभिन्न यूनियनों में हमारी जो सदस्य संख्या उसको बढ़ाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए हमने एक विशेष रूप से यहाँ पर चर्चा की और आने वाले समय में जिला मंडी की 18 यूनियन जो कार्य कर रही है और उनको किस तरह से उनका विस्तार किया जाए, किस तरह से उनका आगे उनको बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ जिला प्रधान होने के नाते कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और जिला मंडी में नंबर वन का संगठन है, मजदूर संगठन है और कार्य जो हमारे कार्यक्रम है कर्मचारियों के हित के लिए, जो हमारे मजदूर साथी हैं उनके हित के लिए भारतीय मजदूर संघ मेहनत कर रहा है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का नंबर वन संगठन होगा। भारतीय मजदूर संघ की कार्यसमिति की बैठक आने वाली 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। इसी के साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। अब
अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. First polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। पुलिस थाना सुंदरनगर के अंतर्गत नेशनल हाईवे 21 पर देर रात मनाली से शिमला जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस भवाना के पास करीब 20 से 30 फीट गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में बस में सवार 36 में से 27 यात्री घायल हो गए, जिसमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही देर रात प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को 108 की सहायता से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 21 पर देर रात मनाली से शिमला जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस बभाणा के पास खाई में लुढ़ गई, जिसमें सवार 36 यात्रियों में से 25 यात्रियों का इलाज सिविल अस्पताल सुंदरनगर में चल रहा है। वहीं दो की नाजुक हालात को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया है। सभी घायलों का उपचार सुंदरनगर अस्पताल में चल रहा है। पिछले कल रात को 12:50 पे जडोल के पास एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 27 लोग जो थे वो घायल अवस्था में सुंदरनगर अस्पताल लाए गए। घायलों का प्रथम उपचार किया गया तथा मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध करवाई गई। एक्सरे उनके मुफ्त करवाए गए, सीटी स्कैन मुफ्त करवाए गए सुंदरनगर में। इसके उपरांत जिन मरीजों को फ्रैक्चर के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता थी, उनमें से एक को मंडी रेफर किया गया है। बाकी मरीज सभी ठीक हैं और सुंदरनगर अस्पताल से ज़्यादातर अधिकतर लोगों को छुट्टी कर दी गई है, जो ठीक होकर घर चले गए हैं। हमारे पास इस समय 3 मरीज जो हैं वो सुंदरनगर अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है और वो भी जो है ठीक अवस्था में है और शीघ्र ही उनका इलाज करके उनको घर भेज दिया। देर रात SDM राजीव कुमार, तहसीलदार वेद प्रकाश, DSP संजीव भाटिया ने घटनास्थल का दौरा किया और घायलों को हर संभव सहायता प्रदान की। थाना प्रभारी लोकेंद्र नेगी ने बताया कि पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। के जनरल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। त्योहारों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत हर जिले में होने वाले मेलों या अन्य आयोजन स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए डिप्टी SP स्तर के अधिकारियों को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश भर में पुलिस कर्मियों को गैर जरूरी छुट्टी न देने को कहा गया है। इसके अलावा सभी शक्तिपीठों के आसपास भी खुफिया और पुलिस विभाग के जवानों को तैनात करने को कहा गया है। कुल्लू समेत हिमाचल के विभिन्न जिलों में स्थित शक्तिपीठों और मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन आयोजनों में देश विदेश से सैलानी शामिल होते हैं। इसके अलावा नवमी के दिन शक्तिपीठों में भी दर्शन करने वालों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा के लिए इंतजाम कर लिए हैं। सभी जिलों के SP को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग वह खुद करें। साथ ही नवमी और दशहरा वाले दिन पुलिस कर्मियों और अफसरों को दफ्तरों की बजाय फील्ड पर ही रहने को कहा गया है। बताया गया है कि इसके अलावा अंतरराज्यीय सीमा के चेक पोस्ट पर भी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्प्लॉयज यूनियन सुंदरनगर द्वारा शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने विभिन्न आंदोलनों में शहीद हुए कर्मचारी नेताओं की कुर्बानियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। लोक निर्माण विभाग सुंदरनगर के विश्राम गृह में बिजली बोर्ड व विभिन्न सरकारी विभागों तथा पेंशनर ने शहीदी दिवस मनाया। कर्मचारियों ने विभिन्न आंदोलनों में शहीद हुए कर्मचारी नेताओं की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संघ के नेताओं के साथ साथ विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये आज का दिन हम शहीदी दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। आज के दिन सन 1980 में यहाँ पे गोलीकांड हुआ था और हमारे दो साथी अमर सिंह गुलेरिया और साथी रतनु शहीद हुए थे। इन शहीदों को प्रेरणा स्रोत के रूप में याद करते हुए अपने आप को यहाँ पे आकर के रिचार्ज करते हैं, अपने ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में यहाँ आकर के संकल्प लेते हैं। उसी कड़ी में आज भी हम यहाँ पे आए। इस अवसर पर बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज के तमाम पदाधिकारियों भी मौजूद थे। वहीं इस दौरान शहीदों के नाम पर रेस्ट हाउस चौक पर शहीद स्मारक की स्थापना भी की गई। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ चैल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS के माध्यम से छात्र वर्ग न सिर्फ समाज के उत्थान में अपने कदम बढ़ाता है, बल्कि वह अपने व्यक्तित्व को भी और निखार पाता है। इसी उद्देश्य से बॉयज स्कूल मंडी में 7 दिवसीय NSS कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप के दौरान छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। बॉय स्कूल मंडी में 7 दिवसीय NSS कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय इस कैंप में स्कूल के छात्र अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवा रहे हैं। कैंप के दौरान छात्रों ने स्कूल में सफाई व्यवस्था को सुचारू करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और साथ ही मंडी के टारना माता मंदिर के रास्ते की साफ सफाई की। कैंप संबंधी जानकारी देते हुए NSS प्रभारी ने बताया कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास और जनसेवा की भावना को और सुदृढ़ करना ही कैंप का मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। उन्होंने बताया कि समाज सेवा में जुटे छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए कैंप के माध्यम से हर संभव सुविधा मुहैया करवाई गई है। हमारा ये विशेष शिविर 7 दिनों का NSS का कैंप बॉय स्कूल में शुरू हुआ है 7 अक्टूबर से। 13 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग होगी। तो बच्चों ने 7 अक्टूबर से सुबह ये प्रार्थना सभा करते हैं, उसके बाद योगाभ्यास परेड और थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद इनको ब्रेकफास्ट वगैरह दिया जाता है और उसके बाद इनसे प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है। तो आज इनका 4th दिन है प्रोजेक्ट वर्क करने का। तो आज हम प्रोजेक्ट वर्क के तहत तारना मंदिर के परिसर, इसके आसपास और इसकी सीढ़ियाँ इत्यादि की सफाई बच्चों से करवा रहे हैं। और यहाँ शिव मंदिर, जो छोटी तारना बोलते हैं, वहाँ शिव मंदिर में जाएंगे। वहाँ जो प्राकृतिक स्रोत है पानी का, उस प्राकृतिक स्रोत की सफाई करेंगे। कैंप में भाग ले रहे छात्रों के अनुसार इस तरह के कैंप से समाज सेवा की भावना और प्रबल होती है और आपसी भाईचारे में भी बढ़ोतरी होती है। छात्र मानते हैं कि कैंप में उन्हें मिलजुल कर काम करने की आदत पड़ती है, जो उन्हें निकटतम भविष्य में सहायक सिद्ध होगी। और हमारा अभियान है स्वच्छ भारत का निर्माण करना, और यहाँ से यहाँ मंदिर परिसर के चारों ओर गंदगी को दूर करना, लोगों से
सफाई के बारे में बताना चाहेंगे और घरों में जो कूड़ा करकट है और मंदिर के चारों ओर जो कूड़ा है उसे स्वच्छ उससे मैं हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर के चारों तरफ गंदगी ना फैलाएं, भारत को स्वच्छ बनाएं, जो भी कूड़ा करकट हो वो सभी जाके डस्टबिन में डालें। ये तारा मंदिर की जो पौड़ी है इनकी सफाई कर रहे हैं हम, जो ये इनकी तरफ जो झाड़ियाँ झुड़ियाँ लगी है इनको साफ कर रहे हैं, जो रैपर रूपर वगैरह पौधे पौधे मतलब लगे हुए हैं इनको उखाड़ेंगे, इनको फेंकने के साइड पर इनको बाद में जला देंगे हम। 7 दिवसीय इस कैंप में छात्रों ने अन्य समाज सेवी कार्यों में भी अपना योगदान दिया। कैंप के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। अंतर्राष्ट्रीय दशहरे की सांस्कृतिक संध्याओं में होने वाले कार्यक्रम को विश्व के किसी भी कोने पर चुटकियों में देखा जा सकेगा। पहली बार दशहरा उत्सव समिति सांस्कृतिक संध्या का लाइव टेलीकास्ट करने जा रही है। यह सुविधा केवल मोबाइल पर उपलब्ध रहेगी। एक लिंक के माध्यम से इंटरनेट की सहायता से लाइव सांस्कृतिक संध्या देखी जा सकेगी। दशहरा उत्सव की परंपराएं पूर्व की भांति ही रहेगी, इससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। रघुनाथ जी की रथ यात्रा को और भव्य बनाया जाएगा। उत्सव को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। पहली सांस्कृतिक संध्या में राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिरकत करेंगे, दूसरी में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर, तीसरी में परिवहन मंत्री जीएस बाली, पांचवी में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल शिरकत करेंगे। अन्य रात्रियों के लिए अभी तक मुख्य अतिथियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। मोबाइल लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कोई भी कहीं भी घर बैठे ही लाइव सांस्कृतिक संध्या का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके लिए सोमवार को लिंक जारी किया जाएगा। मोबाइल कास्ट में दुनिया भर में किसी भी जगह सांस्कृतिक संध्याएं देखी जा सकेगी। वहीं गत वर्ष प्लांट आवंटन से करीब 3.60 करोड़ आय हुई थी, इस बार अभी तक करीब 4.5 करोड़ आय हो चुकी है। करीब 5.5 करोड़ तक आय पहुंचने की उम्मीद है। वहीं दशहरा उत्सव को लेकर सभी नाकों में सख्ती बढ़ा दी गई है। दूरबीन की सहायता से भी पुलिस जवान संदिग्धों पर नजर रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में बॉलीवुड समेत पंजाब के नामी गायक धमाल मचाएंगे। स्टार नाइट में पार्श्व गायक आदित्य नारायण धूम मचाएंगे। सूफी अंदाज में नूरा सिस्टर्स, बॉलीवुड पार्श्व गायिका शिवरंजनी सिंह, पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला समेत अन्य कलाकार दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। इस बार एक नाइट पूरी तरह से हिमाचल लोक गायकों के लिए आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कुल्लू की आराध्य देवी हिडिंबा आज अपने हरियाणों व कारकुनों के साथ कुल्लू के ऐतिहासिक मेला दशहरा के लिए रवाना हो गई। बता दें कि देवी हिडिंबा की कुल्लू के दशहरे में अहम भूमिका रहती है। देवी के आगमन से कुल्लू दशहरे का शुभारंभ होता है और समापन भी देवी के ही द्वारा किया जाता है। पुजारी रमन शर्मा ने बताया कि देवी हिडिंबा को कुल्लू के राज परिवार के लोग अपनी दादी मानते हैं और देवी हिडिंबा जैसे ही कुल्लू के समीप रामशिला नामक स्थान पर पहुंचती है, वहां पर रघुनाथ जी की छड़ी उनके स्वागत के लिए आती है। दसवीं के दिन देवी छड़ी के साथ राजा के महल को जाती है, जहां पर राज परिवार के लोग कुछ समय देवी के साथ व्यतीत करते हैं और समस्त राज परिवार के लोग देवी की पूजा करते हैं। इसके पश्चात देवी हिडिंबा की सवारी कुल्लू दशहरा ग्राउंड के लिए निकलती है। हिडिंबा की उपस्थिति तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बिना कुल्लू का दशहरा जो वो आरंभ ही नहीं होता है। जब तक माता हिडिंबा यहाँ से चल के कुल्लू ना पहुँचे तब तक कुल्लू दशहरा शुरू नहीं होगा। और एक ही दिन में माता जो है रामशिला जाके पहुँचती है, वहाँ पर राजा की ओर से स्पेशल सेवक जो है राजा का वो माता का स्वागत के लिए आता है और आदर सहित माता को राजमहल की ओर ले जाते हैं। उसके बाद कुल्लू का दशहरा वहीं से आरंभ होता है माता का पूजन करने के बाद। इसके पीछे तो बहुत लंबी कहानी है। कुल्लू का राजा जो है उसको माता हिडिंबा ने ही राजपाट दिलाया था। कहानी तो बहुत बड़ी है, उस तक तो नहीं जाएंगे। उसी के बाद इन्होंने इसको दादी रूप में माना हुआ है। रेस्कम नाली में हर साल की भांति इस साल भी आई और ये जो परंपरा है ये 1975 से चलती आ रही है और इस साल भी हमने माता को यहाँ विधिवत स्वागत किया और मैं अपनी और अपने स्टाफ की ओर से दशहरे की सबको के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें।
आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।